there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome students. हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि PCM क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं PCM का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले तो PCM का पूरा नाम होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, PCM को, पल्स कोड मॉड्यूलेशन को आप हिंदी में बोल सकते हैं कि पल्स कोड में उतार चढ़ाव। तो हमारा क्या हुआ, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारा हुआ। अब देखिए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और क्या है, ये एक प्रकार का मेथड होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ये कंप्यूटर में डिजिटल ऑडियो का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसका यूज हम कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल टेलीफोनी और दूसरे हम डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोई भी हमारे दूसरे डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशन हो उनके लिए भी हम यूज करते हैं। अब देखिए, इंटरवल में इस स्ट्रीम के एम्पलीट्यूड को एनालॉग सिग्नल के माध्यम से सैंपल इन किया जाता है और प्रत्येक सिग्नल को एक रेंज के अंतर्गत एक निर्धारित मात्रा तय की जाती है, उसमें उसको निर्धारित कर दिया जाता है। अब लीनियर पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसी का एक हमारा खास टाइप होता है, जहाँ पर की हमारा क्वांटिटी जो निर्धारित की जाती है वो लेवल लीनियर और यूनिफॉर्म होता है। और दूसरी चीज क्या है कि PCM बाइनरी के रूप में भी होता है, इसलिए यहाँ केवल दो संभावित स्लेट्स होते हैं, एक हमारा हुआ हाई और दूसरा हमारा हुआ लो, जिसको हम 0 और 1 से डिफाइन करते हैं। अब हम अपने देखिए एनालॉग सिग्नल को डिमॉड्यूलेशन के द्वारा वापस भी पा सकते हैं, डिमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके वापस भी ले सकते हैं। और PCM में क्या होता है कि मैसेज सिग्नल्स को कोडेड पल्स के एक क्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस मैसेज सिग्नल को दोनों समय टाइम या कि एम्पलीट्यूड में हम डिस्क्रीट फॉर्म में भी सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करके हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में अगर हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसको वापस हम पा भी सकते हैं। और देखिए, एक PCM स्ट्रीम में दो गुण होते हैं जो कि बेसिक एनालॉग सिग्नल के लिए स्ट्रीम फिडेलिटी निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करेंगे, स्ट्रीम फिडेलिटी। अब देखिए, सैंपलिंग रेट, तो सैंपलिंग रेट में क्या होता है, प्रति सेकंड के लिए जाने वाले हमारे जो भी आप बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम ट्रांसमिट करें उनकी संख्या। और दूसरी चीज हमारा कि बिट डेप्थ में क्या होता है, जो भी संभावित डिजिटल वैल्यू की संख्या के बारे में बताती है ये हमें। और जिसका यूज करके हर सैंपल के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब कि कोई भी सैंपल हो तो हम उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि PCM क्या होता है और PCM के बारे में थोड़ा हमने और देखा। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।